लोग हैरान होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है। बल्कि पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चंद खुश नसीब लोग ही मौजूद हैं। तीन दोस्तों ने 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। कहीं ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से, तो कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तान में भी इसको तामीर किया गया है। डबल स्टोरी घर जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा लगाना वाकई मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए है? ये वो सवालात हैं जिनको जानना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे इस आलीशान वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनशेंग लिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी इस मकाम पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जिनशेंग लिंग से ये वॉल इंतहाई ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर्स मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं और इनमें कम से कम 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं जो मिंग डायनेस्टी के चाइना पर राज के दौरान ही बनाए गए थे। वॉल का ये हिस्सा और वॉच टावर्स आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर्स के दरमियान वॉल पर बड़े बड़े सुराख भी दिखे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हों, लेकिन इन सुराख का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले की सूरत में इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डेटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल हैं जहां पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते और यहां की बस्तियों को आग लगा देते थे। हर आए दिन मंगोलों की लूट मार की वजह से चाइना के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहां एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके। क्योंकि इस वॉल का काफी तर हिस्सा ऐसे मकामात पर बना हुआ है जहां पर इंसान का जाना ही काफी मुश्किल है, इसी वजह से एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जहां इंसान का पहुंचना ही इतना खतरनाक है, वहां तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये जानने के लिए जरूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन फुटेज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी रखे गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हों। एक्सपर्ट्स को अब ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये दरवाजे क्यों रखे गए थे, और वो भी ऐसे दरवाजे जो पहाड़ों में बिल्कुल छुपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके थे। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि शायद मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के बेस में इन दरवाजों से निकलकर मंगोलों में शामिल हो जाते होंगे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट दरवाजों के अलावा कुछ और भी था जिसने रिसर्चर्स को मजीद सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेज की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया।
इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। जब मजीद तहकीक की गई तो ये साबित हुआ कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वॉल के अंदर से ही तोड़ा गया था। लेकिन आखिर क्यों? जब यहाँ सीक्रेट दरवाजे भी मौजूद थे तो इस पॉइंट से दीवार को अंदर से क्यों तोड़ा गया? रिसर्चर्स का मानना है कि क्योंकि ये टनल खास तौर पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही बनाया गया था, तो जाहिर है इसका मकसद इनको पहले से ही मालूम था। और वो मकसद ये था कि हंगामी हालात में अगर मंगोल दीवार पर अटैक करें तो मिंग आर्मी के सोल्जर इस टनल को तोड़कर मंगोलों पर पीछे से हमला कर सकें। ये तो था सिर्फ एक टनल जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ड्रोन की फुटेज में आ गया। ऐसे ही बेशुमार टनल्स अभी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद होंगे। अब सवाल ये उठाया गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये इतना आला तरीन डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेडक्वार्टर मौजूद कहाँ है? एक्सपर्ट्स ने जब सैटेलाइट डेटा से वॉल को ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से ऊंचे तरीन पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8850 किलोमीटर नोट की गई है, यानी ये डिस्टेंस इतना ही है जितना न्यू दिल्ली से मुंबई तक या फिर लाहौर से कराची तक के पूरे 7 चक्कर लगाए जाएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में खत्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है, जहां पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से काफी ज्यादा बड़ा है, और शायद यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज कैप्चर की गई जिसने सारी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती है, और इसका काफी तर हिस्सा वक्त के साथ साथ खत्म हो चुका है। किले से मजीद 250 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जब इस वॉल का मुआयना किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से काफी ज्यादा पुरानी है। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी दीवार के पास से कई टूटे हुए एरो हेड्स भी मिले। ये एरो हेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए जरूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। लिहाजा जब लैब में इन एरो हेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो वाकई बहुत ही हैरान कन था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये एरो हेड्स 2200 साल पुराने हैं, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन उस वक्त ना ही चाइना में मिंग डायनेस्टी का राज था, और ना ही उस दौर में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी? इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी से बने टूटे फूटे अजीबो गरीब स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दिए, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर्स की मुश्किल आसान कर दी। हैरतअंगेज तौर पे पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के चंद ऐसे टुकड़े भी मिले जिन पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धंसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, जो काफी अच्छी तरह प्रिजर्व थे, और इनकी लिखाई वाजे तौर पर पढ़ी जा सकती थी। जब चाइनीज एक्सपर्ट को ये पढ़ाया गया तो मालूम पड़ा कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग लहराए जाएं, और रात के वक्त हमला हो तो वॉच टावर्स पर आग लगाई जाए। हंस 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे, और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। ना सिर्फ इतना बल्कि इस लकड़ी के टुकड़े पर दुश्मन की तादाद बताने का तरीका भी लिखा हुआ था, यानी अगर 1000 घोड़ सवार बॉर्डर के करीब आ रहे होंगे तो एक खास सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। ये मालूम पड़ने के बाद ही एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को आइडिया हुआ कि ये अजीबो गरीब स्ट्रक्चर्स असल में 2000 साल पुराने वॉच टावर्स थे, जो उस दौर में भी आपस में कनेक्टेड थे। रात के वक्त हमले की सूरत में वॉल के साथ बने ये वॉच टावर्स कुछ ऐसा मंजर पेश करते होंगे।
हजारों मील तक फैली हुई इस पुरानी वॉल के साथ साथ रिसर्चर्स को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनसे साबित हुआ कि ये वॉल सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि ये सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। सिल्क रूट कदीम जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज से लिंक करता था। इस रूट पे ज्यादातर रेशम यानी सिल्क की ट्रेड हुआ करती थी, इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। चाइना के लिए ये रूट बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इसी सिल्क रूट पर डिपेंड करती थी और इसी वजह से चाइना को किसी भी कीमत पर सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पुरानी वॉल की लंबाई 12,000 किलोमीटर है जो मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से भी काफी ज्यादा बड़ी है। यानी अगर चाइना की तमाम वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है और अगर इन तमाम वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये आधे से भी ज्यादा दुनिया में फैल सकती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूट कर गायब हो चुका है। अफसोस के साथ आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ मिंग डायनेस्टी की वॉल को बनाने में तकरीबन 400,000 लोग अपनी जाने को बैठे थे। ये माना जाता है कि जिन लोगों से ये दीवार बनवाई जाती थी उनसे जोर जबरदस्ती सजा के तौर पर काम करवाया जाता था। कई का तो ये भी मानना है कि मरने वाले मजदूरों को इसी वॉल के अंदर दफन कर दिया जाता था।